भी अच्छा काम करने के लिए जब कोई पहल करता है तो उसे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। बाकी रोजगार के सवाल पर सरकारें विफल हैं। जी, मैंने अभी वक्तव्य के दौरान आपको बताया कि कितना बड़ा सेमिनार इस प्रदेश में आयोजित मीडिया के बंधुओं ने सवाल नहीं किया सरकार से, वो लाखों लाख करोड़ रुपया जो इन्वेस्ट करने के नाम पर तमाम उद्योगपतियों ने आगे बढ़ के नाम लिखाया, हौसला दिखाया, क्या हुआ उस मिशन? अभी तो ये मिशन आज इन्होंने एक प्रयास प्रारंभ किया, एक सीमित दायरे में विधानसभा क्षेत्र सैदपुर के अंतर्गत पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को कारखानों में जहां आवश्यकता है उनको कर्मचारी के लिए और जहां इनकी आवश्यकता है रोजगार के, इसमें सामंजस्य बनाने का काम करेंगे अंकित भारती के पिता ओपी भारती जी, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन अपना इसी काम में लगाया है। वो एक श्रम अधिकारी की हैसियत से वरिष्ठ पद पर गजेटेड पद पर सेवा किए हैं, काफ़ी बड़ी पहचान है उनकी। उन्होंने तमाम लोगों से बातें कर रखी हैं, कंपनियों के जीएम से, प्राइवेट कंपनियों के सीईओ से, और उन लोगों की आवश्यकताएं हैं और इनके क्षेत्र के नौजवानों की ये समस्याएं हैं। इन दोनों को ऐसा सामंजस्य बनाएंगे कि हमें उम्मीद है कि सफलता मिलेगी, गरीबों को रोजगार। चुनाव की घोषणा हुई है सर, महाराष्ट्र की यूपी में नौ, अयोध्या की जो सीट है मिल्कीपुर की, चुनाव इस बार उपचुनाव में नौ क्यों कह रहे? अयोध्या की घोषणा भी नहीं हुई है, नौ का ही दिया गया। तो अभी परसों बहराइच में जो मूर्ति विसर्जन हुआ है, एकदम सही वातावरण जब बन गया तब घोषणा हुई है, लेकिन जनता ठान के बैठी हुई है जब भी मौका मिलेगा सरकार के खिलाफ मतदान होगा। सरकार की नीतियों से, सरकार के कार्यक्रम से जनता ऊब चुकी है। कानून व्यवस्था की पद से बदतर स्थिति, अपराधों में बेतहाशा वृद्धि, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब सवालों को लेकर जनता मन बनाए बैठी है और सिर्फ बकवास और समाज को बांटने का एक प्रयास, इसके अलावा सरकार और कर क्या? अपनी विफलताओं को भी अपनी उपलब्धि बताती है ये इस सरकार के, हालांकि जनता सब कुछ समझ रही है। अब डर के मारे कोई कैमरे पे खुले ना, लेकिन हकीकत तो अभी 4 जून को सामने आया, जहां पूछा जाता था, आप पूछते थे कि साहब आप लोग 400 पार का नारा कैसे दे रहे हैं, तो हमारे सरकार के मुखिया कहते थे 80 तो उत्तर प्रदेश से हम ही दे रहे हैं। अरे भाई, एकाध फुट तो छोड़ दीजिए, माननीय अखिलेश जी भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कम से कम उनकी सीट को तो मान ली। ना ना, उनकी भी सीट है। अरे तो नेताजी की सीट है मैनपुरी वाली, मानी डिम्पल यादव की सीट तो मान लीजिए, ना उनको नहीं लाखों ओट से हराएंगे, पूरी 80 में 80। अब जनता ने औकात नाप दिया, बेईमानी 4 सीटों पर भी, उसके बाद भी 33 सीट में सिमट गए और समाजवादियों को प्रदेश की जनता ने 37 सीटों तक पहुंचा दिया। सहयोगी दल को 6 सीटें और मिली और भारतीय जनता पार्टी भली भांति समझ चुकी है, क्योंकि रिक्त सीटों पर चुनाव सबके साथ ही यूपी में हो गया होगा, लेकिन डर था, खौफ था, इसलिए यूपी का चुनाव रोका गया। पूरे देश में जहां कहीं रिक्त सीटें थी वहां चुनाव हो गया, यूपी का रोक के रखा गया। माहौल कुछ बदले तब करेंगे, माहौल बनाने का प्रयास हुआ, बटोगे कटोगे का नारा दिया गया, माहौल फिर भी नहीं बिगड़ा, लेकिन उनके इस कोड वर्ड को, ये नारा सही बार आई, ये कोड वर्ड है,
ये नारा नहीं, कोड वर्ड है। बहराइच जो हुआ अराजक तत्वों के लिए कोड वर्ड है कि आप जो कुछ करना है कर दो,